कचला गंगा घाट पर आज कश्यप समाज ने गंगा स्वच्छता के प्रति धरना प्रदर्शन किया, जिसमें संचालन कर रहे राजेश सक्सेना ने कहा कि मेरी गंगा सफाई के प्रति कुछ मांगे हैं। यदि हमारी मांगे शासन या प्रशासन पूरी नहीं करेगा तो हम जन आंदोलन करेंगे और सड़कों पर जाम लगाएंगे। धरना प्रदर्शन में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के द्वारा दिए गए स्वच्छता अभियान के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। निर्मल गंगा अविरल गंगा समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार दीक्षित ने अपनी मांगे बताई कि गंगा पर सुलभ शौचालय की व्यवस्था की जाए जिसमें गंगा प्रदूषित ना हो। समिति सचिव प्रमोद चौहान ने कहा कि कागजों पर गंगा सफाई का कार्य चल रहा है लेकिन किसी भी प्रकार की सफाई नहीं हो रही है। चौहान साहब ने बताया कि हमें ही कदम आगे बढ़ाकर गंगा सफाई का कार्य करना होगा। शासन और प्रशासन को हमारी मदद करनी होगी। यदि हमारी मदद नहीं की जाएगी तो हम उग्र जन आंदोलन करेंगे। धरना प्रदर्शन के अध्यक्ष मैकू लाल पूर्व प्रधान निवासी चंद्रवा ने गंगा में सफाई न होने के कारण शासन व प्रशासन को जमकर अश्लील गालियां दी। जाए जो ODF पे तमाम पैसा खर्च किया जा रहा है, इसके तहत पहले गंगा जहाँ भी घाट है वहाँ शौचालय बनाए जाएं, वहाँ गुसलखाने बनाए जाएं और गांवों के लिए ODF में लाया जाए, तब ये ODF कहीं कारगर सिद्ध होगा। आपने जो अधिकारी बुलाए थे उसमें से कोई आया? ये सरकार जो है, मैं समझता हूँ प्रशासन सरकार को फेल कर रहा है या सरकार इस तरीके का कार्य कर रही है, ये मेरे समझ में नहीं आ पा रहा है। हमने जिलाधिकारी महोदय के लिए और जिला प्रशासन के लिए बराबर निरंतर 3 दिनों से और 1 महीने पहले से लगातार लिखित में दे रहे हैं और बराबर वार्ता कर रहे हैं कि वहाँ कोई अधिकारी पहुँचना चाहिए, लेकिन इस जन आंदोलन के लिए उन्होंने दरकरार रखा है। इस प्रशासन के लिए आज हम निर्णय लेंगे कि अभी क्या होना चाहिए, और वरना हम जो है इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन के रूप